लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मंगलवार को दोपहर बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक व्यक्ति ने जलदाय विभाग द्वारा दूषित पानी की सप्लाई की वजह से उसके पूरे परिवार को पीलिया होने की पोस्ट डाल दी। व्यक्ति ने परिवार के सदस्यों की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी साथ में पोस्ट की। ग्रुप में इसे लेकर चले वाद विवाद व ग्रुप चैट में लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते जिला मुख्यालय से पहले स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी व बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों को मामले को देखकर रिपोर्ट करने के आदेश जारी हुए। ग्रुप में जुड़े लक्ष्मणगढ़ SDM ने भी मामले में संज्ञान लिया और जलदाय विभाग को पानी की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। विभाग ने सहायक अभियंता मनीष कुमार मील के निर्देशन में 10 टीमों का गठन कर अलग अलग इलाकों के विभिन्न मोहल्लों व कॉलोनियों के घरों से पानी की सप्लाई चेक कर सैंपल एकत्रित किए तथा मौके पर ही बैक्टीरियोलॉजिकल जाँच की गई। इसमें पानी में कोई जीवाणु या प्रदूषित होना नहीं पाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही चैटिंग में जन आक्रोश को भांपकर स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल व ब्लॉक CMO ऑफिस को मामले को देखने और कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर जिला अस्पताल की टीम को शिकायतकर्ता डॉक्टर अनुपम शर्मा के मोदी लिंक रोड कॉलोनी स्थित घर भेजकर उनके परिजनों के सैंपल लिए तथा जाँच के लिए सीकर माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर अटल भास्कर ने बताया कि अचानक बड़ी गर्मी व बदलते मौसम की वजह से पीलिया की शिकायत हो सकती है। अस्पताल में औसतन 5 से 7 मरीज ही आ रहे हैं। स्पेसिफिक एरिया में पीलिया के रोगी मिलने जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन जांच के लिए शिकायतकर्ता के परिजनों के सैंपल जिला मुख्यालय पर स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। प्रदूषित पानी से बीमारियाँ फैलने की आशंका के बाद जलदाय विभाग भी हरकत में आया। विभाग ने 10 टीमों का गठन कर शहर के अलग अलग इलाकों के घरों में पानी की सप्लाई के दौरान व घरों में स्टोर पानी के 80 सैंपल लिए तथा मौके पर ही बैक्टीरियोलॉजिकल जांच की गई। इसमें प्रदूषण जैसी शिकायत नहीं पाई गई। जलदाय विभाग के AN मनीष कुमार मील ने बताया कि विभाग की टीमों ने अलग अलग इलाकों से पानी के सैंपल लेकर मौके पर ही जाँच की तथा प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार का प्रदूषण या जीवाणु नहीं पाई गई। फिर भी एहतियात के लिए विस्तृत जाँच के लिए पानी के सैंपल जिला मुख्यालय पर स्थित विभागीय प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है।